वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज गुडविल पार्ट वन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट हो रहा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। गुडविल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो जो था हमारा वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म था। उसके अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देखे थे जो रिकंस्टिट्यूशन होता है तो आपको करने होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। उसके अंदर आपका जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का ट्रीटमेंट करना, आपको रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एक ट्रीटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, डेट वाज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो हमारा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ही है। इसके अंदर आज हम सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक थ्योरी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुडविल क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, और कितने तरह की गुडविल हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यही टॉपिक है आज हमारा गुडविल में। ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गुडविल आपके रिकंस्टिट्यूशन के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो चेंजेज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर हो, सभी के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन के तौर पे आता है। और आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और गुडविल को समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे तो आपके इन सभी चैप्टर्स के अंदर गुडविल से रिलेटेड सारी जो क्वेरीज होगी वो ऑटोमेटिकली ही रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल का टॉपिक। देखिए, गुडविल का वैसे तो एक जनरल पार्लेंस में, एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो गुडविल हम सभी जानते हैं। बहुत साधारण सा इसका एक मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप रेपुटेशन मान सकते हैं आप। ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी रेपुटेशन की बहुत फिक्र होती है। वो कोशिश करता है कि अपने जिस भी जगह वो रहता है, जिस भी जगह वो काम करता है, जिन भी लोगों के बीच में वो रहता है, उसकी एक गुडविल रहे, उसकी एक इज्जत रहे, उसका एक सम्मान रहे, लोग उसका नाम बहुत रेस्पेक्ट के साथ मिले। तो इसी इज्जत को, रेस्पेक्ट को आप बिजनेस में जब आप इन्वॉल्व कर देंगे तो ये सेम वही चीज है। एक बिजनेस को भी अपनी गुडविल अर्न करनी होती है, उसे भी एक रेपुटेशन बनानी होती है, उसको भी अपनी एक इमेज क्रिएट करनी होती है अपने कस्टमर्स के बीच में। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं छोटा सा, मान लो आपको कंप्यूटर खरीदना है। आपको अगर कंप्यूटर खरीदना है तो हमारे दिमाग में जो तीन चार नाम आते हैं, वो मैंने कुछ नाम लिखने की कोशिश करी है, जैसे लेनोवो है, डेल है, एचपी है, एप्पल है। तो मैंने कुछ नाम यहां पे लिखे हैं आपको, जो जैसे ही हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो हम अगर कोई कंपैरिजन करना चाहें, प्राइस देखना चाहें, तो ये तीन चार नाम जो हैं, इनके अलावा भी कुछ नाम हो सकते हैं, मैंने अभी चार नाम लिए हैं जो लीडिंग ब्रांड्स हैं आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपके जो कंप्यूटर आता है उसमें। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी से, अपनी सर्विसेज से कुछ न कुछ मार्केट के अंदर अपना एक इमेज, रेपुटेशन, गुडविल बनाई है कि आप जब भी इनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदोगे इनका नाम आता है। एक मैं बहुत अच्छा नाम लेना चाहूंगा इंडियन कंटेक्स्ट में, जैसे हम नमक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है टाटा सॉल्ट की बात, हमारे दिमाग में आता है कि टाटा ने वो इमेज बनाया हुआ है टाटा सॉल्ट। आपको अगर ट्रक लेना हो तो टाटा के ट्रक्स का एक जो एक लोगो है हमारे दिमाग में जाता है कि हाँ भाई टाटा ट्रक हमारे यहाँ पे चलता है। आपको जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको जाना हो तो अमूल हमारे दिमाग में एक ब्रांड उभर के आता है आपको। और आप जैसे और भी अगर आप कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे आप रेलवे की बात करते, चलो इंडियन रेलवे की तो मोनोपोली है, पर इंडियन रेलवे का एक हमारे दिमाग में सिनेरियो आता है कि तो आप अपने वर्क से, अपनी कैपेबिलिटीज से, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज से, अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट से, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी से एक बिजनेस को भी अपनी इमेज मार्केट में क्रिएट करनी होती है।
अब देखो जो मैंने नाम लिखे उसके अंदर मैंने एक एप्पल को मैंने अंडरलाइन कराया। देखिए एप्पल भी कंप्यूटर बनाता है और लेनोवो डेल एचपी भी कंप्यूटर बना रहे हैं, लेकिन एप्पल का कंप्यूटर आप देखोगे सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एप्पल की कीमत आपको बहुत ज्यादा दिखेगी यहाँ पे। नो डाउट ये सभी बहुत अच्छे ब्रांड है, लेकिन इन सबके अंदर भी एप्पल आप देखेंगे कि उसकी प्राइस बाकी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है, और फिर भी वो बहुत अच्छा मार्केट शेयर रखता है और लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को आते ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसने गुडविल क्रिएट करी हुई है। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लें, मान लो अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक ब्रांड है जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आते हैं जब भी आप कार खरीदने जाएंगे, मारुति ऑफकोर्स नॉट, मारुति इज अ वेरी बिग ब्रांड नेम इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपका हुंडई है, टाटा है, होंडा सिटी है, दीज आर सर्टेन ब्रांड्स, और भी कुछ ब्रांड्स हैं लाइक फोर्ड हो गया, महिंद्रा की भी कार आती है आपकी, ठीक है, कुछ एक नए ब्रांड भी आए हैं, लेकिन अभी आप बेसिक आपका कार खरीदने जा रहे हैं तो ये कुछ नाम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगे और आप कोशिश करते हैं कि एक बार इन्हीं कारों के जो मॉडल्स, जो ये ब्रांड नेम है, इन्हीं के एक बार स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर किया जाए। तो आप समझ सकते हैं, देखिए अब इनके अंदर भी मारुति का प्राइस रेंज अलग है, हुंडई का अलग है, टाटा का अलग है, होंडा सिटी अलग है, एक मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू भी मार्केट के अंदर है। अब देखिए कार तो वही होती है, वही चार पहिए होते हैं, स्टेयरिंग होता है, बट लेकिन फीचर्स भी ऑलमोस्ट एक प्राइस सेगमेंट में सेम ही होते हैं, लेकिन हर कार जो डीलर है या हर कार जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कार की कीमत अलग अलग होती है उसकी, और कुछ कार की कीमत सेम प्राइस सेगमेंट में अंदर भी बहुत ज्यादा होती है और फिर भी लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं ड्यू टू देयर प्रोडक्ट क्वालिटी, ड्यू टू देयर प्रोडक्ट सर्विसेज। तो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की गुडविल क्रिएट करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। तो यही मैंने इस कुछ इमेजेस के थ्रू मैंने आपको गुडविल का एक बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की थी। आगे थोड़ा इसका हम और थ्योरी फ्रेमवर्क देखेंगे और गुडविल से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा गुडविल क्या चीज है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गुडविल क्या है। देखिए एक स्कॉलर है लॉर्ड एल्डोन, उन्होंने लिखा है गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। उनका कहने का मतलब है कि गुडविल कुछ भी नहीं है, वो एक संभावना है कि पुराने कस्टमर वापस पुरानी जगह पे आकर के ही सर्विसेज लेना चाहेंगे, प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। मतलब कस्टमर रिपीटेशन को उन्होंने गुडविल से जोड़ा है कि गुडविल जो होती है वो कस्टमर रिपीटेशन को बढ़ाती है, कस्टमर फुटफॉल को बढ़ाती है, उसको रिपीट करवाती है। आगे है देखिए गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इट रिप्रेजेंट्स द गुड नेम, फेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर। देखिए हमने अकाउंट्स के अंदर फाइनल अकाउंट जो आपने 11th में स्टडी करी है उसके अंदर गुडविल आता था, एसेट आप एसेट साइड लिखते थे बैलेंस शीट में उसको, ये एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है। आपने देखा हुआ है एसेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल जो बहुत सारे टाइप्स है उसमें एक टाइप उसके जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसके हिसाब से टेंजिबल और इनटेंजिबल पार्ट में आप बांटते हैं। टेंजिबल मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जिन्हें आप देख और छू नहीं सकते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल चीज है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि गए और हमने टच करके देख लिया कि गुडविल है। तो ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, ये बिजनेस के गुड नेम का प्रतीक है, फेम, रेपुटेशन और बिजनेस के कनेक्शन को शो करती है। ये वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो एक अट्रैक्शन पावर है जो आपके कस्टमर को बार बार आपके बिजनेस में खींच के लाती है और उन्हें मोटिवेट करती है कि वो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। इन सिंपल वर्ड गुडविल इज द सुपर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एक बहुत सामान्य लैंग्वेज में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके बिजनेस की जो सुपर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, जो आपकी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की काबिलियत है, वही आपकी क्या है, गुडविल कहलाती है। कि आप अपने जो कंपटीटर हैं, आप जो सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनसे आप ज्यादा प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो तो यही आपकी क्या है, यही आपकी गुडविल को बताता है आपकी। इसको अगर मैं एक बहुत और एक अच्छे एग्जांपल से समझाना चाहूं तो जैसे मान लीजिए आप मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में देखा होगा कि जो नया हीरो आता है उसकी मूवीज जब लगती है तो कई बार हमें पता भी नहीं पड़ता कि वो मूवी लगी है कब चलेगी, लेकिन जब वही कोई सुपरस्टार की मूवी आती है तो लोग उसको ईगरली वेट करते हैं और उसकी प्राइस भी उस समय बढ़ा दी जाती है, फिर भी लोग जाकर के उसे देखना पसंद करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो अक्षय कुमार की कोई मूवी लगी है तो, और उसके मुकाबले कोई नए कोई हीरो आया उसकी मूवी लगी है, तो आपको पता है अक्षय कुमार ने इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उनको आज
25 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं आज की डेट के हिसाब से, तो वो उन्होंने अपना नाम फेम कमाया है, तो लोग उनकी मूवी जाके देखते हैं और वो सक्सेसफुल भी होती है मूवीज उनकी। वहीं कोई नया हीरो आता है तो लोग उसे जानते नहीं है, अभी इतना काम उसने करा नहीं है, तो लोग उसकी मूवी भी देखते हैं लेकिन कई बार पता भी नहीं पड़ता कि मूवी आई और कब आई और कब चली गई। तो ये गुडविल होती है जो आप कंटिन्यू वर्क करते हैं और वर्क परफॉर्मेंस देते हैं, तो उससे आपकी मार्केट में एक इमेज क्रिएट होती है और आप बार बार अपने प्रोडक्ट को आसानी से रीसेल कर सकते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं गुडविल की, वो देख लेते हैं। अभी जैसे बताया, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, ये आपके बिजनेस की एसेट है बट इनटेंजिबल है, यू कैन नॉट सी, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टिंग लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इट इज ए वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, गुडविल चूंकि एसेट है, एसेट कोई वैल्यू होती है तो ये वैल्यूएबल एसेट ऑटोमेटिकली है, क्योंकि अगर आप एसेट है तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट में किसी चीज को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है उस चीज की। एंड इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग, देखिए जो इसकी वैल्यू है इट्स कीप चेंजिंग, ऐसा नहीं कि फिक्स है, एक बार गुडविल जो डिसाइड हो गया गुडविल का अमाउंट वो फिक्स रहेगा, ये बढ़ भी सकती है आपके अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये इंक्रीजिंग मोड पे रहती है, और अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब रहा, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रही, प्रोडक्ट रिव्यूज अच्छे नहीं रहे, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी हो गई तो ये गुडविल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, डिक्रीज भी हो सकती है और कई बार गुडविल नेगेटिव भी हो जाती है आपकी, मतलब गुडविल है ही नहीं मार्केट के अंदर। इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, डेफिनेटली गुडविल, इसीलिए गुडविल की इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है, ये आपकी हेल्प करती है, ये आपके अर्निंग को बढ़ाने में, आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के अंदर ये आपकी बहुत हेल्पफुल होती है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसा कि लॉर्ड एल्डोन ने कहा था, यह वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो ओल्ड प्लेस पे ओल्ड कस्टमर्स को वापस रिटेन करती है, बार बार लेकर के आती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुडविल के। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, देखिए गुडविल की कुछ वैल्यू होती है, मैंने कहा फ्लक्चुएटिंग होती है उसकी वैल्यू, तो ये फ्लक्चुएटिंग क्यों होती है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसकी वैल्यू को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है वो वैल्यूज एक बार हम देख लेते हैं। देखिए फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बहुत फर्क पड़ता है आपका बिजनेस की लोकेशन क्या है, कनेक्ट कितना कर पाता है कस्टमर आपकी लोकेशन से। अगर आपका बिजनेस एक फेवरेबल लोकेशन पर है जहां पे कस्टमर इजीली कनेक्ट कर सकता है, इजीली जा सकता है, इजीली गाड़ी पार्क हो सकती है उसकी, तो उसके ग्रो करने की संभावना ज्यादा होती है। तो एक लोकेशन की भी गुडविल का बहुत फर्क पड़ता है। हर सिटी के अंदर आपने देखा होगा कुछ एक ऐसे प्लेसेज है जहां पे लोग जाना पसंद करते हैं, जहां पे खरीदारी करना पसंद करते हैं, और वहां की जो लोकेशन में जो शॉप्स की रेट होती है या रेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फुटफॉल वहां पे बहुत अच्छा है, लोकेशन की वजह से वहां पे उस बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। तो लोकेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी गुडविल को डिसाइड करने में। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपके बिजनेस का कितना एफिशिएंट है। देखिए मैं आपको इसमें एक एग्जांपल लूं, रिलायंस कंपनी ने जब जियो मोबाइल लॉन्च किया तो उस समय जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो सैचुरेशन मोड पे थी, और एकदम से जियो एक आया और उन्होंने इतना अग्रेसिवली कैंपेन किया और इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी शानदार बनाई कि आज की डेट के अंदर जियो इज द लीडिंग टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। ये सब मैनेजमेंट की वजह से हुआ कि जो उनका मैनेजमेंट था उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसे इतना सक्सेसफुल बनाया। तो आज जियो बहुत कम समय के अंदर घर घर के अंदर यूज किए जाने वाला आपका टेलीकॉम सर्विस हो चुकी है आपकी। दी लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, देखिए बिजनेस जितना लंबे टाइम का अनुभव रहेगा, जितना लंबा चलेगा, उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा हो जाता है, लोगों के दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाती है कि ये नहीं, ये अच्छी गुड्स दे रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तभी इतना लंबा चल रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, रिलायंस है, ये बहुत पुराने आपके बिजनेस, इनका काफी टाइम से रन कर रहे हैं, तो इनके गुडविल क्रिएट करी। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो लोग इन पे यकीन करते हैं कि हाँ इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत टाइम से ये सर्विस दे रहे हैं मार्केट के अंदर, तो इससे भी उनके गुडविल क्रिएशन में बहुत मदद मिलती है। पजेशन ऑफ लाइसेंस, मान लीजिए आपके पास में कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, ठीक है, या मान लीजिए आपके पास कोई पेटेंट लाइसेंस है, ठीक है, कॉपीराइट लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस भी आपके गुडविल क्रिएशन में मदद मिलता है कि उस लाइसेंस की वजह से कुछ स्पेसिफिक राइट्स आपको मिलते हैं और आप ही वो काम कर सकते हैं। तो लाइसेंस किसी चीज का आप रखते हैं तो वो भी आपके लिए गुडविल क्रिएशन का एक अफेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हर किसी के पास में हर काम को करने का लाइसेंस नहीं होता, पर अगर आपने गवर्नमेंट से किसी चीज का कोई लाइसेंस लिया हो, मतलब यू आर ऑथोराइज्ड टू डू दैट वर्क,
तो एक लोगों के मन में एक आपके प्रति पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ये लाइसेंस रखते हैं, मान लो इम्पोर्ट लाइसेंस है या एक्सपोर्ट लाइसेंस है, तो वो आपकी एक इमेज अच्छी क्रिएट होती है उनके दिमाग में। मोनोपोली, मोनोपोली मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक ही, जैसे इंडियन रेलवे की मोनोपोली है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रेलवेज को रन करती है, तो उसकी मोनोपोली है उसकी, तो वो गुडविल है। सीधी सी बात है, अगर आप ही ओनली सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप ही ओनली गुड्स प्रोवाइडर हैं या गुड्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आप ही की चीज का यूज करेंगे, तो वो मोनोपोली भी आपकी गुडविल को क्रिएट करती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट ट्रेंड हर साल इंक्रीजिंग मोड पर है, आप हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो मान लो बढ़ते हुए क्रम में है, तो आपकी गुडविल भी बढ़ेगी आपकी। और वहीं प्रॉफिट अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो इसका मतलब आपकी गुडविल भी कम होगी। तो आपके प्रॉफिट का ट्रेंड भी आपकी गुडविल की वैल्यू को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आपको फ्यूचर कंपटीशन, आप जिस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के का फ्यूचर कंपटीशन किस तरह का रहने वाला है, वो आपके लिए पॉजिटिव वे में जाने वाला है या नेगेटिव वे में जाने वाला है, या गवर्नमेंट भी उसके अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रही है जिससे कंपटीशन और ज्यादा टाइट होता है, तो वो ये सारी चीजें आपकी गुडविल की वैल्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है आपकी। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नो डाउट, देखिए जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, अल्टीमेटली आप जो कुछ भी कर रहे हो प्रोडक्ट पे डिपेंड है। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोग उसको बाय करेंगे, जैसे कि एप्पल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, तो वो प्रीमियम रेट से भी लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज से इतनी अच्छी इमेज बनाई है कि लोग हायर प्राइस पे भी, प्रीमियम प्राइस देकर भी उसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन मेन फैक्टर्स यहां पे लिखे हैं जो कि गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ गुडविल, देखिए गुडविल का नेचर क्या है वो हम समझ लेते हैं कि गुडविल किस तरह की नेचर रखता है या रखती है गुडविल। तो देखिए इसमें गुडविल को तीन तरह बांटा गया है, इंस्टीट्यूशनल गुडविल, पर्सनल या प्रोफेशनल गुडविल और कैजुअल गुडविल। देखिए इंस्टीट्यूशनल गुडविल को कैट गुडविल भी बोला जाता है, सेकंड जो पर्सनल गुडविल है उसे डॉग गुडविल भी बोला जाता है, और जो लास्ट में मैंने लिखा है कैजुअल गुडविल उसे रेट गुडविल भी बोला जाता है आपके। तो ये आपके गुडविल के तीन नेचर हैं जो बहुत ही, मतलब इनको जो नाम दिया गया है, ये कैट डॉग और रेट दिया गया है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि ये क्या नाम दिए गए हैं कैट डॉग एंड रेट, ये कौन सा बाइफिक्रेशन हो गया गुडविल का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइफिक्रेशन है। और जो कैट डॉग और रेट में की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, उन करेक्टरिस्टिक्स को मैच किया गया है गुडविल से, और फिर उसको रिजेंबल करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये नाम दिए गए हैं। तो गुडविल तीन तरह की है, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल एंड कैजुअल गुडविल, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूशनल गुडविल या कैट गुडविल हम सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या होती है। इंस्टीट्यूशनल गुडविल और कैट गुडविल, ब्रैकेट में मैंने लिखा है जैसे टाटा बिरला रिलायंस, समझ लेते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल या कैट गुडविल क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए सच टाइप्स ऑफ गुडविल एग्जिस्ट ड्यू टू रेपुटेशन, गुड नेम एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ द एंटिटी। देर आर कस्टमर्स हु कंटिन्यू टू विजिट द ओल्ड बिजनेस प्लेसेज इवन इफ द ओनरशिप चेंजेज। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैट गुडविल, बिकॉज कैट डज नॉट लिव द हाउस इवन इफ द मास्टर लिव्स द हाउस। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सच बिजनेस विल बी वेरी हाई। देखिए इसमें एक बिल्ली की बहुत अच्छी विशेषता बताई गई है कैट की, कि देखिए कैट जो होती है वो जिस जगह रहती है उस जगह को वो नहीं छोड़ती है, भले ही मालिक की मृत्यु हो जाए, मालिक चला जाए घर छोड़ के, लेकिन बिल्ली घर नहीं छोड़ती। यानी कहते हैं बिल्ली ने जिस घर को पे रहना चालू कर दिया, बिल्ली जिस घर में रहती है उस घर में ही रहेगी, मालिक रहे या न रहे फिर भी वो उस घर को नहीं छोड़ती है। तो ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा इसमें टाटा बिरला रिलायंस, देखिए टाटा आपके जेआरडी टाटा के समय से चल रही है, लेकिन आज जेआरडी टाटा नहीं है, रतन टाटा उसको आज की डेट के अंदर चेयरपर्सन है उसके, बिरला जो स्टार्ट किया था आज आदित्य बिरला जैसे उसको संभाल रहे हैं, रिलायंस आपके धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो कंपनियां डिवाइड हो गई है, लेकिन मुकेश जी की जो रिलायंस है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो देखिए धीरूभाई अंबानी है या नहीं है, लेकिन आज भी रिलायंस कंपनी चल रही है। तो ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल है, जहां पे मालिक के होने या ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंस्टीट्यूशन ने अपनी इतनी अच्छी गुडविल इमेज कर ली है कि मालिक अब आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उनके आने और जाने से बिजनेस के गुडविल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये एक बिल्ली के स्वभाव से ये चीज मैच करती है, बिल्ली पे भी मालिक के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिस घर में आ गई उसी घर में रहती है। वैसे जब एक बार इंस्टीट्यूशन की गुडविल क्रिएट हो गई तो वो बनी हुई रहती है,
तो इसलिए इस गुडविल को इंस्टीट्यूशनल गुडविल या कैट गुडविल कहा गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से बिल्ली के स्वभाव से इसको रिलेट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। नॉर्मली ये गुडविल जो होती है, देखिए एक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, इंजीनियर हो गया, राइटर हो गए, यानी जो प्रोफेशनल है जिनमें कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेसिफिक आर्ट परफॉर्म टू आर्ट की जरूरत होती है, जहां पे व्यक्तिगत जो गुण होते हैं उनका बहुत महत्व होता है उस चीज को परफॉर्म करने में, तो वहां पे ये डॉग गुडविल एग्जिस्ट करती है। क्या है इसका, इसके थ्योरी को एक बार समझ लेते हैं। देखिए व्हेन गुडविल एग्जिस्ट्स इन बिजनेस ड्यू टू पर्सनैलिटी एफिशिएंसी एंड कंडक्ट ऑफ द ओनर देन सच गुडविल इज कॉल्ड पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, डॉग्स आर अटैच्ड टू द मास्टर, इट फॉलोज इट्स मास्टर, वैल्यू ऑफ दिस गुडविल इज लेस देन द इंस्टीट्यूशनल गुडविल, दिस टाइप ऑफ गुडविल एग्जिस्ट्स इन एंटिटी ऑफ प्रोफेशनल नेचर। देखिए जो डॉग होता है वो अपने मालिक से बहुत अटैच होता है, वो अपने मालिक को ही फॉलो करता है। अगर मालिक नहीं है तो कुत्ता भी या डॉग भी वहां पे नहीं रहेगा, तो यानी मालिक चला गया तो डॉग भी वहां से चला जाएगा। तो ये गुडविल भी कुछ इस तरह की है, ये पर्सनल नेचर की गुडविल होती है, ये पर्सनल एफिशिएंसी पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो नॉर्मली जो जैसे कोई एक्टर होता है या डॉक्टर होता है या सीए होता है या इंजीनियर है या राइटर है, ये एक बार आपको कोई राइटर अगर पसंद है तो जरूरी नहीं आपको उसका बेटा भी पसंद आएगा। आपको सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मान लो आपको अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, आपको अमिताभ बच्चन पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभिषेक बच्चन को भी पसंद करें, हो सकता है पसंद भी करें नहीं भी करें। या मान लो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो सर्जन बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं उसका बेटा भी बहुत अच्छा सर्जन हो। तो होता क्या है कि आप जिससे सर्जरी कराने में आपको विश्वास था, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो फिर आप नॉर्मली फिर देखते हैं कि और कौन सा उसके प्लेस पे बेटर सर्जन है। ये नहीं है कि वो नहीं है, उसने अपना असिस्टेंट रखा तो आप उसके पास जाकर के कुछ कंसल्टेशन करेंगे। तो ये बहुत पर्सनल जो इसका है गुडविल का, जो नेचर बहुत पर्सनल है कि ये अगर वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो गुडविल भी उसके साथ ही चली जाएगी। तो इसलिए इसे डॉग गुडविल या पर्सनल गुडविल कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें व्यक्ति के रहने तक ही गुडविल रहती है, व्यक्ति चला गया तो गुडविल भी चली जाती है। एंड लास्ट है गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट्स और रेट गुडविल। यानी कैजुअल इवेंट्स या रेट गुडविल क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए अंडर दिस द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज नॉट फिक्स बट फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, मीनिंग दैट वैल्यू ऑफ गुडविल विल मे चेंज ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रेट गुडविल। रेट इज अटैच नाइदर टू द मास्टर नॉट टू द हाउस। रेट इज वेरी फ्लेक्सीबल एंड मूव फ्रिक्वेंटली। सिमिलरली सम कस्टमर हैव अटैचमेंट नाइदर टू द पर्सन नॉर टू द प्लेस। द वैल्यू ऑफ सच गुडविल इज वेरी लो। देखिए जैसे एक रेट की विशेषता होती है, चूहे की विशेषता होती है, ना तो उसे मालिक से मतलब होता है, ना उसे उस जगह से या उस मकान से मतलब होता है, ठीक है। वैसे ही कुछ बिजनेस के कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें न तो मालिक का व्यवहार से कोई मतलब है, न उसकी प्लेस से मतलब है बिजनेस के, ठीक है। वो किसी से भी वो सामान ले सकते हैं, ठीक है। उनके पास में जो भी दुकान दिखी उन्होंने वहां से सामान ले लिया, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं रहा, या कोई भी प्रोडक्ट था उन्होंने जहां पे वो प्रोडक्ट दिखा उन्होंने ले लिया, उन्होंने उसको लिए कोई स्पेसिफिक किसी ब्रांड का या किसी उस चीज का वेट नहीं करते हैं। तो ये गुडविल जो होती है ये आपकी कैजुअल गुडविल खिलाती है या रेट गुडविल खिलाती है। सपोज कीजिए आपको चाय पीनी है और आप कहीं गए और आपको जो भी चाय की दुकान दिखी आपने चाय पी ली, आपने कोई ब्रांड नहीं देखा उसके अंदर, सपोज कीजिए, तो ये इस तरह की जो गुडविल है वो आपकी रेट गुडविल या कैजुअल गुडविल कहलाती है। तो आई होप आपको नेचर ऑफ गुडविल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए टाइप्स ऑफ गुडविल। देखिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो भागों में बांटते हैं इसको, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसा नाम है परचेज गुडविल, गुडविल को परचेज करा है, सेल्फ जनरेटेड खुद ने ही कोई एस्टिमेशन लगाया है। ध्यान दीजिए आप दोनों के वर्ड से ही आपको मीनिंग पता पड़ जाएगा कि परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं परचेज गुडविल क्या है। देखिए परचेज गुडविल है, इट इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट्स होती है आपकी, इज द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। दिस इज द रियल गुडविल ऑफ द बिजनेस विच कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
देखिए आप जो बैलेंस शीट के अंदर, ग्यारहवीं के अंदर जो गुडविल देख रहे थे वो ये परचेज गुडविल ही थी, यानी आपने इस गुडविल के लिए बकायदा पेमेंट किया है, और पेमेंट किया है तो आपने, चूंकि पेमेंट किया है तो उस पेमेंट की एंट्री आप कर लीजिए। किस चीज का पेमेंट किया आपने? आपने कोई गुडविल खरीदी है तो गुडविल पेमेंट की एंट्री आप गुडविल के नाम से बिजनेस के अंदर करेंगे और उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड आप दिखा देंगे। आप अभी गुडविल निकलती कैसे है? देखिए हर चीज की एक वैल्यू होती है, अगर आपने उसकी कीमत से ज्यादा पेमेंट किया तो भैया ज्यादा पेमेंट क्यों किया है आपने? वो जो ज्यादा पेमेंट किया वही आपकी क्या है? वही आपकी गुडविल है यहां पे। तो इसमें एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो हम आगे मेथड में डिस्कस करेंगे। एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स। आपने जो परचेज कंसिडरेशन, मतलब आपने जो कीमत दी है वो उसकी नेट एसेट, जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी उससे आपने ज्यादा कीमत दी है। तो ज्यादा क्यों दी है भाई? उसकी गुडविल होगी तो आपने ज्यादा दी है। इसको इस तरह से समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कई बार ऑक्शन होती है और उसमें से बोलते हैं कि ये टी शर्ट सपोज कीजिए टाइगर श्रॉफ ने ये टी शर्ट पहनी थी साहब, तो आपको क्या लगता है वो टी शर्ट क्या आपको 1500 में मिल जाएगी? अब चूंकि उसे टाइगर श्रॉफ ने वो टी शर्ट पहनी थी तो उस पर टाइगर श्रॉफ की गुडविल अटैच होगी। सपोज कीजिए वो टी शर्ट आपको 40,000 की आपने ली ऑप्शन के अंदर, तो अब आप क्या बोलेंगे? आप उसको उसके ब्रांड से नहीं बोलेंगे, आप उसको ऐसे बोलेंगे कि ये टी शर्ट टाइगर श्रॉफ ने उस मूवी में पहनी थी, ये मैंने ऑप्शन में खरीदी है। तो यानी आप ये बता रहे हो कि मैंने ये जो 40,000 रुपए दिए हैं वो टी शर्ट के नहीं दिए हैं, मैंने वो 40,000 रुपए टाइगर श्रॉफ की गुडविल के दिए कि टाइगर श्रॉफ इस टी शर्ट को पहनता था और अब ये टी शर्ट मैंने ले ली है। तो यानी आपने टी शर्ट तो वही 1500 की सपोज कीजिए होगी, लेकिन आपने चूंकि 40,000 में खरीदे हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया है वो आपने उसके गुडविल का दिया है। ये आपकी परचेज गुडविल होती है कि आप किसी चीज को उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है, जो आपकी प्राइस बनती है उससे ज्यादा कीमत पे आप ले रहे हो, तो वो आपकी परचेज गुडविल कहलाती है आपकी। अब ये कैसे निकलेगी, ये एक मेथड आएगा उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखिए परचेज गुडविल तो तब होती है नॉर्मली जब आप किसी बिजनेस को आप खरीदते हो। देखिए परचेज गुडविल पूरी बिजनेस की होती है, ध्यान दीजिएगा आप एक तो ना। तो आप जब किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो खरीदते वक्त आप अगर उस बिजनेस को महंगा खरीद रहे हैं तो वो गुडविल है आपकी। लेकिन अगर सपोज करो आप किसी बिजनेस को ना तो खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं एक तरीके से आप, तो आप फिर इंटरनली कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड से फिर आप अपनी गुडविल का एस्टिमेशन लगाते हैं, जिसे आप बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसका पेमेंट नहीं हो रहा है एक्चुअली, बट आपने कुछ एस्टिमेशन टेक्नोलॉजीज है, एस्टिमेशन मेथड्स हैं, उनसे आप अपनी गुडविल का एस्टिमेशन करते हैं, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। तो देख लेते हैं इसको, इट इज सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल विच इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए परचेज गुडविल का तो पेमेंट हुआ है, अब किसी चीज का पेमेंट हुआ है तो उसे दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसके लिए कि आपने किसी को पेमेंट किया है? पेमेंट नहीं किया है। जब किसी चीज का पेमेंट ही नहीं किया है तो उसकी एंट्री भी आप बुक्स में नहीं कर सकते। मतलब सेकंड वाले मेथड में गुडविल के नाम से कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 ने भी ये चीज बोली है कि ओनली परचेज गुडविल को ही आप शो कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप शो नहीं कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मेथड हैं, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और हम जो भी अब गुडविल के वैल्यूएशन मेथड देखेंगे, ठीक, वो आपके सेल्फ जनरेटेड गुडविल से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि पार्टनरशिप का जो टॉपिक है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसमें देखिए एक्चुअली पूरा बिजनेस तो बिक नहीं रहा है, ठीक है, पार्टनर या तो एडमिट हो रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है या चेंजेस इन पीएसआर हो रहा है। तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब हम खुद ही गुडविल का कैलकुलेशन लगाएंगे और फिर उससे गुडविल की जो वैल्यू आएगी उससे हम पार्टनर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं हम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।